Vayam Prabha. Digital India. Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज इस दस श्रृंखला वाले व्याख्यान का आज अंतिम व्याख्यान है जो सुलभ स्वच्छता आंदोलन और स्वच्छता पर केंद्रित रहेगा इससे पूर्व हमने भारत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित जो विभिन्न नीतियाँ हैं कौन कौन से योजनाएं हैं इस पर हमने बेहद चर्चा की थी और हमने यह देखा कि कई नीतियाँ हैं कई योजनाएँ हैं उनका अगर अच्छी तरह से कार्यान्वयन किया जा सके तो हम स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छता से संबंधित और कई जो हमारे लक्ष्य हैं उसको हम अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे और इसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा की गई है इस तरह से हमने उस व्याख्यान में सरकारी नीतियों और योजनाओं की चर्चा की आज का जो हमारा व्याख्यान है इसमें हम स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित या स्वच्छता और स्वास्थ्य या सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सुलभ स्वच्छता आंदोलन की क्या भूमिका है इसी पर आज हम विस्तृत परिचर्चा करने वाले हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक द्वारा स्थापित सुलभ इंटरनेशनल का स्वच्छता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शौचालय को सुलभ बनाने वाले सुलभ शौचालय के निर्माता सुलभ शौचालय का ध्यान देने वाले सुलभ शौचालय की व्यवस्था करने वाले बिंदेश्वर पाठक का स्वच्छता और इससे संबंधित विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भारत में मैन या शौचालय पुरुष के नाम से जाने वाले बिंदेश्वर पाठक की अहम भूमिका है जब भी हम स्वच्छता या इससे संदर्भित कोई भी बात करते हैं इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल स्थापित करके या शौचालय से संबंधित और कई कार्यक्रम करके शौचालय से संबंधित और कई अच्छे अच्छे काम करके समाज को जागरूक करके समाज के सामने वैकल्पिक व्यवस्था देके एक ऐसा काम किया जो चिरकाल तक हमें स्वच्छता से संबंधित समाज से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित और सामाजिक विषमताओं को मिटाने से संबंधित जब भी हम चर्चा करेंगे यह हमें निश्चित रूप से सुलभ का योगदान हमें याद रहेगा और हमें इस पर चर्चा पर चर्चा करनी पड़ेगी अगर हम सुलभ आंदोलन की बात करते हैं सुलभ आंदोलन का जो शुरुआत है वह पद्मभूषण बिंदेश्वर पाठक द्वारा किया गया था पद्मभूषण बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना की 1970 में पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक द्वारा स्थापित स्वच्छता के क्षेत्र में सुलभ का योगदान बड़े पैमाने पर और स्वच्छता के लिए मानव अधिकारों के अनुप्रयोग में ऐतिहासिक है स्वच्छता के क्षेत्र में डॉक्टर पाठक का कदम लोगों के लिए एक समुदाय जिन्हें मैनुअल मैला ढोने वाले के रूप में जाना जाता है का सामना किए जाने वाले गहले भेदभाव दुर्व्यवहार और कलंक से निपटने के लिए था जो सूखे शौचालयों को मैनुअल रूप से साफ करते थे और उन्हें अछूत करार दिया गया था 1970 से अनवरत रूप से यह लगभग 50 वर्षों से ज्यादा से बिंदेश्वर पाठक इस कार्य में लगे हुए थे दुर्भाग्यवश इसी वर्ष 2023 में 15 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली इसी क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करते हुए वर्तमान में सुलभ इंटरनेशनल की इस संस्था के प्रेसिडेंट कुमार दिलीप हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं सुलभ का योगदान न सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है या उन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया कि लोगों को सहज ही शौचालय कैसे उपलब्ध हो जाए अपितु इसके निदान के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ सोचा जब इसके निदान की बात करते हैं तब यह भी सोचा कि उसके से संबंधित जो जाति विशेष के लोग थे उनकी क्या मनोदशा थी उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता था उस भेदभाव को कैसे दूर किया जाए और समाज में उनको रहना है अगर तो वह कैसे कुछ खास दक्षता अर्जित कर लें कुछ सीख लें जिससे वह अपने जीविकोपार्जन भी कर पाएँ और सामान्य रूप से वह अन्य सदस्यों के साथ रह सकें शिक्षा की व्यवस्था की और कई क्षेत्रों में सुलभ का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है सुलभ के योगदान को हम इस तरह से और अधिक रूप से देख सकते हैं यहां जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं कि बिंदेश्वर पाठक किस तरह से उन लोगों के साथ मिलकर यह अनुभव ले रहे थे कि जब कोई महिला सर पर ढोता है तो वह क्या अनुभव कर रहा है समाजशास्त्र में हम सब एक वर्षहन पद्धति समझ पद्धति की चर्चा करते हैं मैक्सवेवर ने वर्षहन पद्धति की चर्चा की जिसके माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस परिस्थिति में ढालते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कैसा अनुभव कर रहा होगा या वह किस कारण से वह सोच रहा है ऐसा क्या हो रहा है अपने आप को उस व्यक्ति के जगह पर हम रखते हैं इसी तरह से समाजशास्त्र के छात्र ही थे बिंदेश्वर पाठक इन्होंने अपने समाजशास्त्रीय ज्ञान को इस तरह से लगाया और स्वयं इन्होंने अनुभव लिया कि मेला ढोने वाले जो हमारे ही तरह के समाज के दूसरे सदस्य हैं वह क्या सोचते होंगे इसी के अनुभव लेने के लिए यह खुद भी उन लोगों के बीच वर्षों तक रहे और उनके साथ वह मैला भी ढोए और इसी के परिणति है कि स्वच्छता के क्षेत्र में जो इनका महान योगदान था एक ओर आप यह चित्र देख रहे हैं दूसरी ओर इन्हीं को इसी के कारण से पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया यह इंगित करता है कि इनके योगदान को बहुत बड़े स्तर पर भी सराहा गया और माना गया कि सुलभ का जो योगदान है वह निश्चित रूप से स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कदम है और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सुलभ की कल्पना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में की गई है सत्यता अहिंसा और परोपकारिता के गांधीवादी दर्शन से प्रेरित सुलभ ट्रस्टीशिप के गांधीवादी सिद्धांत में विश्वास करता है सुलभ साथियों के प्रति करुणा और विकास पर आधारित है सुलभ एक समतावादी समाज विकसित करना चाहता है जो जाति नस्ल के भेदभाव के बिना हर इंसान के लिए समान अवसर पर आधारित हो और अस्वस्थता अस्वास्थ्यकर प्रथाओं से मुक्त एक खुशहाल घर हो सुलभ के उद्देश्य निम्नांकित हैं मानव अधिकारों और गरिमा को बहाल करना पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और स्वास्थ्य स्वच्छता और पारिस्थितिकी में सुधार मानव अपशिष्ट और अन्य अपशिष्टों से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और ईंधन और जंगलों को बचाना यहां आप देख सकते हैं जब आप चर्चा कर रहे हैं मानव अधिकार और गरिमा आपको स्पष्ट संकेत मिल गए होंगे कि यह शौचालय या खुले में शौच सोच, या स्वच्छता इसमें मानव अधिकार और गरिमा की बात क्यों की गई है इसलिए की गई है कि जब हमने चर्चा की थी जाति और स्वच्छता के प्रसंग में तब हमने विस्तृत चर्चा की थी कि, कि किसी खास जाति को ही स्वच्छता से संबंधित कार्यों में लगाया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि उसी जाति का व्यक्ति स्वच्छता से संबंधित कई काम करेंगे आप कल्पना कीजिए कि जिस गंदगी की ओर हम देखना नहीं चाहते हैं उसको हमारे ही आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी खास जाति में जन्म ले लिया है उसी के भरोसे हम छोड़ देते हैं उसी को वह करना पड़ता है यह निश्चित रूप से उचित नहीं है इसीलिए सुलभ ने ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए न सिर्फ ऐसा प्रयास किया कि उनको ऐसा घिनौना काम न करना पड़े उनको ऐसा काम न करना पड़े जिसको समाज अच्छा नहीं मान रहा है उनको समाज में दूसरों के समकक्ष व्यवस्था की जानी चाहिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए उनके भी अपने मानव अधिकार हैं उनकी भी अपनी गरिमा है तो समाज में न सिर्फ स्वच्छता से संबंधित और निदान होनी चाहिए अपितु जो खास जातिगत जो अवधारणा है दिमाग में कि वही व्यक्ति करेगा उसी जाति का करेगा इससे भी हमें ऊपर उठना चाहिए और हमें मानव अधिकार और गरिमा की भी रक्षा करनी चाहिए खास ही अन्य जब कोई व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें यह देखें कि इसके निदान के लिए और कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं जिसका जिससे इसको निश्चित रूप से अच्छी तरह से समाप्त किया जा सके इसीलिए आपने देखा गरिमा और मानव अधिकार इसके प्रथम उद्देश्य में निहित है अब हम इसकी और उद्देश्य की चर्चा करते हैं सुलभ शौचालय और सुलभ शौचालय परिसरों से खाद बनाना और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना रोजगारोन्मुख शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना आप समझ सकते हैं कि जब सुलभ में ऐसे जाति विशेष से लोगों को लाया जाता है जो उस कार्य को करने के लिए अब यह समझते हैं कि हमारा ही सिर्फ काम नहीं है या समाज में ऐसे शौचालय की भी वैकल्पिक व्यवस्था सुलभ द्वारा कर दी गई थी इसमें यह देखा जाता है कि अगर वह व्यक्ति वह काम नहीं करेगा जो कि परंपरागत रूप से वह करता आ रहा है निश्चित रूप से उसको ऐसे कुछ खास क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण लेना होगा दक्षता लेनी होगी जिससे अपने वह आर्थिक रूप से भी अपने आप को वह सुदृढ़ कर पाए क्योंकि किसी कारिक से किसी से को निकाल देना और उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना यह उसके साथ अन्याय होगा इसीलिए सुलभ के द्वारा ऐसे कई शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं और उनके जीव उपार्जन के लिए प्रेरित किया जाता है और उनको उन्मुख ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे अपने पैर पर वो खड़े होकर और अपने जिंदगी में वो आगे बढ़ पाएँ और कल जाके वो किसी और के रूप के साथ भी अपने आप को उस समाज में खड़ा कर पाए इसका अगला उद्देश्य है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और समाज के आर्थिक रूप से गरीब और उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए जनमत तैयार करना और देश विदेश में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का समूह बनाना एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए परिवर्तन एजेंटों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर प्रदान करना तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में परामर्श अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना संचार के माध्यम से नवाचारों शिक्षा प्रेरणा और जागरूकता का प्रसार जैसा कि आप सब जानते हैं स्वच्छता या इससे संबंधित जो व्यावहारिक परिवर्तन की जरूरत है या स्वच्छता से संबंधित जो आपको नए संस्कृति सीखने हैं नए व्यवहार सीखने हैं निश्चित रूप से इसमें शिक्षा की भी भूमिका है और कई ऐसे नवाचार किए गए हैं कई ऐसे इनका जो सुलभ का जो दो पिट वाला जो टॉयलेट है सुलभ के जो खास तरीके से बनाए गए शौचालय हैं या कई और क्षेत्र में जो इनका योगदान है उसके कारणों से उसके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है सुलभ द्वारा कि स्वच्छता से संबंधित जितने भी तरह के लाभ हो सकते हैं वह समाज में दिया जाए साथ ही इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं जो संस्थाएं हैं उनको भी जितना हो सके मदद की जाए जिससे सब कोई मिलकर स्वच्छता के संबंधित उस पर चिंतन मंथन करें और आगे बढ़ें जिससे पूरे देश का विकास हो सकता है सुलभ का सार्वजनिक शौचालय आप सबने सुलभ शौचालय का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि सुलभ की जब चर्चा की जाती है तुरंत आपके दिमाग में सुलभ शौचालय आ जाता है सुलभ सार्वजनिक शौचालय परिसर है सुलभ ने अपना पहला शौचालय 1973 में आरा बिहार में और पहला शौचालय परिसर 1974 में पटना बिहार में बनाया तब से सुलभ देश भर में सार्वजनिक शौचालय और स्नान परिसरों का पर्याय बन गया है ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स सुलभ द्वारा सलम इलाके में बनाए जाते हैं जैसा कि आप सबको पता होगा चाहे आप रेलवे स्टेशन पर हो स्टेशन हो किसी धार्मिक जगहों पर गए हों आपको शौचालय की समस्या होती है लेकिन निश्चित रूप से वहाँ आपको सुलभ शौचालय मिल जाता है इस व्यापक स्तर पर सुलभ शौचालय का निर्माण और उसकी व्यवस्था करना और वह निरंतरता बनी हुई है जैसा आपने देखा 73 में शुरू की गई थी शौचालय परिसर का और 70 में शुरू किया गया था सुलभ शौचालय का आज तक वह उसी रूप में बढ़ता जा रहा है इसका निश्चित रूप से श्रेय जा रहा है सुलभ को बनाने वाले उसकी सोच को और बिंदेश्वर पाठक की दूरदर्शिता को न्याय संगत स्वच्छता अपनी 50 वर्षों की सार्वजनिक सेवा में सुलभ इंटरनेशनल ने सभी के लिए समान स्वच्छता और स्वास्थ्य हासिल करने के लिए काम किया है यह खुले में शौच को समाप्त करने पर ध्यान देने के साथ भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत अभियान में सबसे आगे रहा है इसने एक दशमलव पाँच मिलियन से अधिक घरेलू शौचालय बनाए हैं और इसे 2016 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निश्चित रूप से यह सभी के लिए शौचालय की उपयुक्त व्यवस्था करने में सफल रहा है अब अगर ग्रामीण स्वच्छता की बात करें जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण स्वच्छता में जो सुलभ का योगदान है वह इस तरह से है ग्रामीण स्वच्छता के संदर्भ में सुलभ ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता और मांग पैदा करके समुदाय आधारित व्यवहार परिवर्तन दृष्टिकोण अपनाया है इसने एक सा कस्बों में शुष्क शौचालयों को दो गड्ढे वाले फ्लस शौचालय में बदल दिया और लगभग एक लाख साठ हजार आठ सौ पैंतीस से अधिक शौचालय बनाए हैं अधिकांश गांवों में सुलभ ने महिलाओं मुख्य रूप से माताओं को परिवर्तन का एजेंट बनाकर संपूर्ण स्वच्छता हासिल करने के लिए उनके साथ काम किया है सुलभ के हस्तक्षेप से डायरिया रोग को कम करके उल्लेखनीय परिणाम मिला है जैसा कि आप सब जानते हैं जब हम चर्चा करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की उन्हें जागरूक करने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है खास करके जो माताएं हैं महिलाएं हैं क्योंकि उनको जागरूक ज्यादा करने से ना सिर्फ महिलाएं जागरूक होती हैं बल्कि वह अपने परिवार की भी देखरेख करती हैं क्योंकि परिवार के केंद्र बिंदु परिवार के धुरी के रूप में महिलाओं का स्थान माना गया है इसीलिए ग्रामीण स्वास्थ्य में बाकी स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं और माताओं पर इसलिए ध्यान दिया गया था कि इनके स्वस्थ रहने से इनके स्वस्थ शारीरिक रूप से रहने से मानसिक रूप से रहने से और सामाजिक रूप से रहने से ही संपूर्ण समाज का विकास संभव है अब अगर शहरी क्षेत्र की स्वस्थता की बात करें तो शहरी स्वच्छता जो सार्वजनिक शौचालय से संबंधित है सुलभ ने एकीकृत प्रोग्रामिंग पर जोर दिया है ताकि स्वच्छता पानी और स्वास्थ्य के मुद्दों को एक साथ संबोधित किया जा सके उन्नीस में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने भारत में भुगतान और उपयोग सार्वजनिक शौचालय की अवधारणा पेश की तब से पूरे भारत में 9000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं अब छत्तीस रेलवे स्टेशनों सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ देखे जा सकते हैं, जिनका उपयोग लगभग दो करोड़ लोग प्रतिदिन करते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा एक स्वयंसेवी संस्था ने ऐसे शौचालय का निर्माण किया है जो अभी आपने आंकड़ों में देखा दो करोड़ लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं साथ ही उपयोग करें और भुगतान करें जिसको पे एंड यूज कहा जाता है यह जो धारणा थी यह एक बहुत बड़ा संकल्प था बहुत बड़ी नई चीज थी ये कि लोग इसको उपयोग करेंगे और इसके लिए वह पैसा देंगे और आज के डेट में इतने व्यापक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से स्वच्छता संबंधित कार्य में लगे रहना निश्चित ही सुलभ का एक सराहनीय कदम है अब पानी की भी व्यवस्था के बारे में हम सोचें कि सुलभ का क्या योगदान है क्योंकि कहा गया है जल ही जीवन है सुलभ ने पीने के पानी को एक रुपये प्रति लीटर पर किफायती बनाने के लिए एक गरीब समर्थक प्रणाली शुरू की है पश्चिम बंगाल और बिहार के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल से उचित गुणवत्ता का पेयजल तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई है इसका उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक विकेंद्रीकृत जल अनुकूलन दृष्टिकोण बनाना था ताकि ग्रामीण प्रशिक्षण के साथ संयंत्र को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके जैसा कि आप देख रहे हैं पीने के पानी को एक तो शहरी क्षेत्रों में या कई क्षेत्रों में एक रुपये प्रति लीटर उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही कई ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल और बिहार के जहां इन्होंने अपने शोध में यह पाया कि वहां का जो पानी है वह पीने लायक तो नहीं ही है सामान्य उपयोग के लायक भी नहीं है और इससे वहां के स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याएं हुई शारीरिक और मानसिक और आर्थिक निश्चित रूप से इसके लिए इन्होंने न सिर्फ संयंत्र को स्थापित करने या वहाँ के पानी के बारे में शोध करने उचित व्यवस्था करने अपितु उसके सतत विकास के लिए या वह जो प्रयास कर रहे हैं उसकी निरंतरता बनी रहे इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को भी उसके बारे में जागरूक किया उसके बारे में बताया जिससे कुछ दिनों के लिए बाहर का कोई आदमी जाकर किसी काम को कर सकता है लेकिन निरंतरता बनाए रखने के लिए वहाँ के लोगों को उसमें शामिल करना वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से चर्चा करना और वहाँ के लोगों को तैयार करना यह भी एक शोध का ही परिणाम था ऐसा करके वहाँ के कई क्षेत्रों में पानी पीने की और सामान्य पानी की उपयोग की व्यवस्था कर दी गई है अगर हम अभी हम गंदी बस्तियों की चर्चा कर रहे थे अगर हम देखें मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय सुलभ ने प्रमुख शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में दो हज़ार चार सौ नवासी शौचालयों का निर्माण और रख रखाव किया है इसके अतिरिक्त यह तीन सौ दस मलिन बस्तियों में एक ठोस वास जो कि एक संपूर्ण संक्षिप्त शब्द है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का जो कि जिसे जल स्वास्थ्यता जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कहा जाता है अभियान चलाता है इसने अकेले दिल्ली की मलिन बस्तियों में बारह हजार निन्यानवे महिलाओं को वास से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षित किया है ये महिलाएं जागरूकता को बढ़ाने और बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गंदी बस्तियों में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं वहाँ पर पानी स्वास्थ्य स्वच्छता इस सब की बहुत बड़ी समस्या रहती है इसके प्रसंग में भी सुलभ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके बाद निश्चित रूप से जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विद्यालयों में शौचालयों का अभाव पाया जाता है इससे न सिर्फ स्वच्छता से संबंधित स्वस्थता से संबंधित समस्याएं आती हैं अपितु हमने इस पर चर्चा की है खास तौर से कि जब महिलाएं या जो बच्ची होती है लड़की होती है वह किशोरावस्था के बाद वह अपने शारीरिक कारण से या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन के कारण स्कूल नहीं जा पाती है चूंकि वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको और असामान्यता की दृष्टि से या इसको बीमारी या ऐसी कोई स्थिति से रूप में माना जाता है जिसका समाधान नहीं है इसमें अगर शौचालय की समुचित व्यवस्था विद्यालय में हो जाए तो जो लड़कियां हैं किशोरियां हैं वह जब हमारे घर की बच्चियां छोड़ देती हैं स्कूल जाना उनके पढ़ाई को रोक लेना पड़ता है इसी को ध्यान में रखते हुए सुरभ के द्वारा विद्यालयों में भी शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है इस पर अगर हम देखें ने पूरे भारत में 6,241 विद्यालयों को कवर करते हुए 19,603 शौचालय ब्लॉक बनाए हैं इसके स्कूल हस्तक्षेप कार्यक्रम लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों के स्कूल नामांकन और उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जैसा कि अभी हम तुरंत चर्चा कर रहे थे कि लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं उनके कुछ शारीरिक और जैव की आवश्यकताओं के कारण अगर स्कूल में शौचालय रहेंगे तो वो भी अपने भाई की तरह अपने पुरुषों के साथ के पुरुषों की तरह वह भी निरंतर रूप से आबादगत से अपने पढ़ाई को जारी रखेगी इस तरह से स्कूल में शौचालय बनाकर न सिर्फ सामान्य जनता के लिए अपितु खास करके लड़कियों की पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखने के लिए भी सुलभ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस क्षेत्र में अब अगर हम जल स्वास्थ्य और जल स्वच्छता और स्वास्थ्य की चर्चा करें जिसे कि वास कहा जाता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन और इसमें महिलाओं के साथ इसको संबद्ध करें तब हम पाते हैं कि सुलभ ने हमेशा छात्राओं पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने हस्तक्षेप कार्यक्रमों में लिंग समावेशी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है इसने सुलभ स्वच्छता क्लब की स्थापना की है जो बच्चों और युवाओं का एक बाल केंद्रित और लड़कियों के नेतृत्व वाला वैश्विक आंदोलन है जो लड़कियों को सशक्त बनाकर विद्यालयों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में लगा हुआ है अब तक भारत के 20 राज्यों में एक नेपाल और भूटान में छह और दक्षिण अफ्रीका में एक क्लब स्थापित किया जा चुका है 800 से अधिक स्कूलों में लगभग 12,300 विद्यालयों के बच्चों को स्कूल स्वच्छता और स्वच्छता शिक्षा और मासिक धर्म संबंधी प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए जैसा कि हम सब जानते हैं स्वच्छता की ज़्यादा जरूरत है और यह जो चित्र आपको अभी दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर इसमें आप यह देखें कि न सिर्फ महिलाओं को लड़कियों को सुलभ के प्रांगण में खास प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह सेनेट्री पैड का वितरण कर पाएँ और खास करके ऐसे कई जगह जहां इसकी आवश्यकता है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाया गया है इससे दो लाभ हो रहे हैं एक तो प्रशिक्षण दिया जाता है इससे जो लड़कियां या महिलाएं सीख रही हैं सैनिटरी पैड बनाना वह कल जाके अपने रोजगार का अवसर भी उसके ढूंढ सकती हैं दूसरी बात बहुत कम कीमत में सैनिटरी वेंडिंग मशीन से जो सैनिटरी पैड उपलब्ध हो रहा है इससे लड़कियों की या महिलाओं की स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा सकेगी और इस तरह से खासकर जो किशोरियाँ हैं वह निरंतर रूप से स्कूल भी जा सकेंगी इस तरह से जो किया गया काम है जो खास करके महिलाओं के लिए है वह उनके लिए वरदान साबित हो रहा है अब ऐसे कुछ लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए उन्नीस में सुलभ ने एक पब्लिक स्कूल की स्थापना की जिसने लगभग दस हजार छात्रों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की है स्कूल उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है जो वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं जबकि सामान्य वर्ग के बच्चों से मामूली शुल्क लिया जाता है स्कूल से कार्य परिवर्तन के लिए डिजाइन किया गया बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कई कौशल विकास कार्यक्रमों के पर प्रशिक्षित किया जाता है इस शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 100 प्रतिशत छात्रों ने अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए रोजगार ढूंढने में सक्षम हुए हैं अब आप जान सकते हैं कि शिक्षा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रभावकारी चीज़ है जिसके माध्यम से किसी का उत्थान किया जा सकता है खास करके उन लोगों को जो सामान्य रूप से वंचित रह जाते थे शिक्षा लेने से उनके लिए खास स्कूल खोलकर उनके लिए समुचित व्यवस्था करके उनको अगर शिक्षा दी जाती है उनको अगर किसी खास कौशल उनमें विकसित किया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है और जिसका का उसका परिणाम स्वरूप यह है कि उनको 100 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल जाता है यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी भी सुरक्षित की जाती है इस दिशा में भी सुलभ का महत्वपूर्ण योगदान है अगर हम मैनुअल स्कैंजर्स या मैला ढोने वाले की बात करें सुलभ इंटरनेशनल अपनी स्थापना के बाद से ही मैला ढोने वालों की दुर्दशा को कम करने के लिए अभियान चला रहा है उनके विशिष्ट पाँच सूस्त्री हस्तक्षेपों की सफलता राजस्थान के दो शहरों अलवर और टोंक में प्रमुख है जबकि कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया जाता है कि शुष्क शौचालयों को दो गड्ढे वाली पानी की फ्लस तकनीक में परिवर्तित करने से लाखों महिलाएं को इससे मुक्ति मिली है अब आप यह जान सकते हैं कि ऐसे जो महिला ढोने वाली प्रथा थी कुप्रथा थी जिससे कई तरह की समस्या होती थी न सिर्फ शारीरिक समस्या अपितु उनकी गरिमा की भी उससे जुड़ी हुई थी उनकी मानव अधिकार भी जुड़ा हुआ था और साथ के समाज में जो अस्पृश्यता जैसी अन्य चीज़ें थी उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी तो ऐसे जो व्यवस्था की गई एक शौचालय की वैकल्पिक व्यवस्था दी गई और जो इन कार्य में लगे हुए थे उनको ऊपर उठा उठाने में भी सुलभ का महत्वपूर्ण योगदान है अब आप इस स्क्रीन पर दो चित्र देख सकते हैं यह उषा चौमर हैं जो पारिवारिक रूप से या परंपरागत रूप से जिसकी अभी हमने चर्चा की यह उस जाति विशेष से, से हैं जिनका काम ही यही था कि सर पर मैला ढोकर या सुबह में उसको दूसरे जगह फेंकने जाती थी एक ओर मैला ढोने वाली है उषा चौमर हैं दूसरी ओर इन्होंने इस कार्य को छोड़ा सुलभ के योगदान से उसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण लिया जिसका चित्र आपको बगल में दिख रहा है यह प्रशिक्षित हो रही हैं कई कार्यों में निपुण हैं और इसके बाद इनको पर्यावरण स्वच्छता में इनके सामाजिक कार्यों के लिए जो योग जो योगदान रहा है इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है अब आप जान सकते हैं कि अगर किसी में दृढ़ संकल्प हो उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो और उसको सुलभ जैसा कोई मदद करने वाला हो तो वह कहाँ से कहाँ आगे जा सकता है जबकि आप जान सकते हैं उषा चौमर एक महिला हैं और एक खास जाति विशेष से संबंधित हैं जब आप जान सकते हैं कि जाति विशेष के लिए हम एक अलग धारणा रखते हैं उसी तरह अगर हम लिंग असमानता की बात करें महिला के लिए है कि हम अलग धारणा करते हैं और अगर उषा चौमर महिला भी हैं खास जात की भी हैं फिर भी अपने जीवन को वो इतना ऊपर उठा सकते हैं कि आज वो किसी के समकक्ष आ गई हैं आज उन्होंने बहुत कुछ प्रशिक्षण लिया है बहुत कुछ सीखा है और अपने दृढ़ निश्चय के कारण समाज में काफी उच्च पद पर पहुंच गई हैं उनकी परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है यह एक ज्वलंत उदाहरण है कि आप भी स्वयं का जीवन भी काफी ऊपर उठा सकते हैं या आपकी नजर में ऐसे लाखों अभी उषा चौमर हैं जिनको अभी जरूरत है आप जैसे किसी लोगों की जो इनको सहारा दे आप जैसे किसी लोगों की जो इनकी मनोदशा को समझे आप जैसे किसी लोगों की कि समाज में एक ऐसा माहौल तैयार करे जिसमें कोई भी छोटा बड़ा या उच्च या निम्न जाति ना हो लिंग आधारित कोई असमानता ना हो अगर हम ऐसा करें तो ऐसे कई जो लाखों वंचित हैं ऐसे समान स्तर से ऐसे कई जो उषा चौमर अभी भी प्रतीक्षारत हैं कि उनको भी कोई ऐसी संस्था मिले उनको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले उनके समाज में भी खास ऐसा कोई माहौल है जिससे वो भी अपने जीवन स्तर को उठा सकती हैं तो ऐसा भी आप पुण्य काम कर सकते हैं ऐसे कई अभी व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है उनको समान अवसर प्रदान करने का इसी तरह से वृंदावन में आप हम आप जानते हैं कि हमारे आपकी जो सामाजिक मान्यता है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसमें महिलाओं के और खास करके विधवाओं को एक खास दर्जे में रखा गया है उनको कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वंचित रखा गया है और उनका जीवन सामाजिक रूप से अगर कहें तो नारकीय बना के रख दिया गया है इसी तरह दो में सुलभ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वृंदावन और वाराणसी की विधवाओं के लिए देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाया जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया था और गरीब और उपेक्षित थीं। सुलभ के हस्तक्षेप से विधवाओं की जीवन स्थितियों में को बदल दिया जिससे उन्हें बुढ़ापे के दौरान सुरक्षा सांत्वना और खुशी मिली इससे आप जान सकते हैं यह जो अगला चित्र आप देख रहे हैं किस तरह से सुलभ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक के साथ ये जो विधवा बहनें हैं ये किस तरह से खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं यह चित्र यह इंगित करता है कि अगर किसी का सहारा मिले तो भले ही सामाजिक रूप से उसको अब तक अलग किया गया था उसको अगर कोई सहारा देने वाला मिले या उसको यह आभास कराया जाए कि वह भी कुछ भी कर सकती है वह भी किसी भी तरह से आगे बढ़ सकती है और उसको समाज में भेदभाव की नज़र से ना देखा जाए किसी भी चीज़ से उसको वंचित ना किया जाए क्योंकि अंततः वह भी मानव है मानव अधिकार पर सबका अधिकार है मानव होने के नाते हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी को हम मानव अधिकार से वंचित रखें इस तरह से जो विधवाएं हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने में भी सुलभ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है एक आपने अलग अलग तरह का संग्रहालय का नाम सुना होगा आप कहीं जा रहे हों या जहाँ जहाँ जाते हैं अलग अलग तरह के संग्रहालय या म्यूजियम का नाम आपने सुना ही होगा लेकिन शौचालयों का भी संग्रहालय हो सकता है यह आपके लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 10 अनूठे संग्रहालयों में से एक के रूप में मूल्यांकित सुलभ का संग्रहालय 4500 वर्षों से अधिक समय तक फैली विभिन्न सभ्यताओं के माध्यम से शौचालय प्रणालियों के विकास के इतिहास का पता लगाता है प्राचीन से लेकर अति आधुनिक सुविधाओं तक साधारण चंबर बर्तनों से लेकर विस्तृत सजी हुई विक्टोरियन शौचालय सीटों तक आगंतुक यह सब देखते हैं यहाँ एक शौचालय भी है जो किताबों की अलमारी की तरह छिपा हुआ है हर साल दुनिया भर से हजारों लोग संग्रहालय देखने आते हैं जब संग्रहालय की बात करते हैं यह देखिए यह आपको देखने में लग रहा होगा कि इंसाइक्लोपीडिया या कोई मोटी सी शब्दकोश या डिक्शनरी है वस्तुतः यह एक शौचालय का तरीका है और इसी तरह के अन्य कई से व्यवस्था की गई है जिससे आप यह जान सकें कि विश्व में अलग अलग देशों में किस किस तरह के शौचालय हुआ करते थे इससे आपको शौचालय का इतिहास जानने का भी मौका मिलेगा और उससे संबंधित जानकारी भी आप वहाँ सुलभ शौचालय के कॉम्प्लेक्स में जो यह म्यूजियम है उसमें आप जान सकते हैं कि पहले कितने सालों से यह व्यवस्था चली आ रही है पहले कैसे लोग करते थे किन किन लोगों के लिए करते थे क्या भेदभाव था बड़े लोग छोटे लोग कौन होते थे कौन इसका उपयोग करते थे किस तरह से उपयोग किया जा सकता था इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आपको इस म्यूजियम में मिलेगा जिससे आप शौचालय के इतिहास से संबंधित जान सकते हैं जरा आप सोचिए शौचालय शब्द ऐसा है जिसको सामान्य रूप से लोग प्रयोग करने में डरते हैं लोग इसको मर्यादा के विपरीत मानते हैं कि शौचालय या टॉयलेट ऐसे शब्दों की चर्चा हम कैसे दूसरों के सामने करें इस पर संग्रहालय या म्यूजियम बनाना शौचालय को इस तरह से समझना शौचालय को सुलभ ने एक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट माना एक साधन माना कि शौचालय से भी शौचालय देने से भी समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है उस सोच के बारे में भी हमें सोचना चाहिए हमें भी नित प्रतिदिन ऐसे कई सोच के बारे में सोचना चाहिए जिससे हम भी समाज का विकास कर सकें इसी तरह से स्वच्छता एवं कौशल विकास की जब बात आती है स्वच्छता क्षेत्र में लोगों को कुशल बनाने की मांग है एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जो सतत विकास लक्ष्यों के केंद्र में है स्वच्छता के लिए सिविल और जल इंजीनियरों राजमिस्त्री योजनाकारों और संचार विशेषज्ञों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है एक प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम एजेंसी के रूप में सुलभ ने भारत के प्रत्येक जिले में और विदेशों में हजारों श्रमिकों की को स्वच्छता से संबंधित कौशल में प्रशिक्षित किया है और इस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसा कि आप सब जानते हैं कौशल विकास या किसी क्षेत्र विशेष में दक्षता अनिवार्य है क्योंकि जब आप नहीं समझ सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें क्या क्या करें आपको अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा सकता है यहाँ जो अभी चित्र दिखाया गया है इसमें आप देखें कि एक तरफ कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है इसी तरह से और कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिससे जो समाज के वंचित लोग हैं चाहे महिलाएं हैं या उस जाति विशेष के लोग हैं जिनको सामान्य रूप से इन सब कार्यों से मुक्त करवाया गया है उनके लिए अगर कौशल विकास की चर्चा नहीं की जाएगी उनके लिए ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी तब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं निश्चित रूप से हमें यह सोच लेना चाहिए कि अगर हम किसी को दूसरे कार्यों से मुक्त कर रहे हैं जिससे निश्चित रूप से उसको समाज में मान मर्यादा तो मिल जाएगी लेकिन मान मर्यादा के साथ ही आर्थिक रूप से भी हमें सजग होना होगा आर्थिक रूप से भी हमें सबल होना पड़ेगा और जब हम आर्थिक सबलता की बात करते हैं आर्थिक रूप से अपने को मजबूत करने की बात करते हैं निश्चित स्वयं रूप से ही उसके लिए हमें कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे सबको नौकरी भी मिले रोजगार भी मिले या वह स्वयं अपना व्यवसाय भी कर पाए और इसी के को ध्यान में रखते हुए सुलभ ने ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सामान्य रूप से दूसरे किसी योजनाओं के तहत या सामान्य रूप से अपने ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह उन प्रशिक्षणों का लाभ नहीं उठा पाते हैं वैसे शिक्षा नहीं ले पाते हैं इसलिए उनको इससे जोर दिया गया है कि खास तरह का वो प्रशिक्षण लें जिससे कल जाके वह अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं ऐसी कोई भी ज़रूरत अगर आ जाती है तो वह उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं या उसी तरह वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी वैसी शिक्षा दे सकते हैं दूसरे को भी वह शिक्षित कर सकते हैं इसी तरह से ऐसा देखा जाता है कि सुलभ ने न सिर्फ समाज के वंचित लोगों को महिलाओं को उन खास जाति विशेष के व्यक्तियों को ऊपर उठाने का काम किया उनको समाज में समान रूप से रहने का अधिकार प्रदान किया अपितु उसके बाद उनकी जीवन कैसे खुशहाल रहे इसके लिए भी उसने योजनाएं तैयार की इसके लिए योजनाएं तैयार करने में इन्होंने स्कूल की स्थापना की इसके द्वारा कई ऐसे पत्र पत्रिका भी निकलते हैं जिसको जैसे सुलभ इंडिया सुलभ स्वच्छता आंदोलन इस सब नाम से कई पत्र पत्रिकाएं भी निकलती हैं सुलभ स्वच्छ भारत इसके द्वारा या सुलभ के और कई ऐसे शिक्षा के भी प्रचार प्रसार के तरीके हैं सुलभ के कई ऐसे इसके अंदर कई ऐसे शोध संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से वह विभिन्न विषयों पर चाहे स्वच्छता से संबंधित विषय हो या समाज में अगर इस खास वंचित व्यक्तियों को इस काम से अलग किया जाए तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ की जरूरत होती है या किसी क्षेत्र में अगर पानी की समस्या है तो उसको कैसे सुधारा जाए या किसी क्षेत्र में अगर लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो वह शोध किया जाता है कि लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं और अगर दूसरे देशों में ऐसी कोई समस्या है तो वहाँ इसका निदान कैसे किया गया इसके बारे में भी हम चर्चा करें इसी सब को लेके कई ऐसे शोध कार्य किए जाते हैं सुलभ के द्वारा इसके लिए अलग अलग एजेंसी बनाए गए हैं सुलभ के द्वारा जिस पर वह चर्चा परिचर्चा की जा सके जिससे हम जान सकें क्योंकि एक होता है कि हमने कोई काम किया उसको पाँच साल दो साल दस साल के लिए कर लिया लेकिन किसी काम में निरंतरता बनाए रखने के लिए साथ ही उस काम में हम ऐसा कुछ करें जिससे कल जाके उस जाति विशेष को वंचित लोगों को हमेशा ऐसा न हो कि सुलभ या ऐसे किसी संस्था की जरूरत हो उसको आत्मनिर्भर बनाना बहुत अनिवार्य है उस जाति विशेष को आत्मनिर्भर बनाना उस परिवार विशेष को आत्मनिर्भर बनाना या ऐसे मानसिक रूप से उसको इतना सबल बनाना जिससे कल जाके उसमें कोई ऐसा संकोच न हो या कल जाके जब उसको कुछ काम करने की जरूरत पड़े तो उसको किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े ऐसे जो काम है वह निश्चित रूप से हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए चाहे कोई स्वयंसेवी संग, संगठन के रूप में कर रहा है या व्यक्तिगत रूप में कर रहा है इसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इसीलिए सुलभ ने जैसे शिक्षा के माध्यम से कई स्कूल खोले या स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है स्वच्छता से संबंधित और कई काम कर रहे हैं इसीलिए इसने सोचा कि जैसे कई स्तर पर आपने सोचा सुना होगा कि विद्यालय स्तर पर मौलिक शिक्षा पर्यावरण शिक्षा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लेवल पर शुरुआत की गई है इसी तरह से इन्होंने स्वच्छता से संबंधित शिक्षा को का प्रचार प्रसार करने के प्रसंग में भी सोचा कि लोग तो जान रहे हैं कुछ लोग जान रहे हैं लेकिन स्वच्छता की अनिवार्यता बहुत अधिक है इसका आभास लोगों में हो इसके लिए इन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए और जैसा कि आप सब जानते हैं स्वच्छता की महत्ता बहुत बड़ी है और स्वच्छता आज के समय में आज के अध्ययन अध्यापन के लिए इतना ही जरूरी है कि अभी जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पांच जगह स्वच्छता शब्द की चर्चा की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पांच जगह स्वच्छता शब्द की चर्चा की गई है जो 2020 में आई है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी उपयोगिता है जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहला था उन्नीस में उसमें स्वच्छता शब्द की कहीं चर्चा नहीं की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दो द, जो उसके बाद उन्नीस में आई दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें भी इसका अनुमान नहीं लगाया गया जबकि अभी जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें पांच जगह स्वच्छता शब्द की चर्चा की गई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के पठन पाठन में स्वच्छता की शिक्षा पर कितना स्वच्छता के, के अध्ययन के लिए भी बहुत बड़े प्रयास किए अभी जो हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं स्वच्छता का समाज शास्त्र का ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि 2013 में ही सुलभ की ओर से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था इसी तरह अब अगर हम चर्चा करें स्वच्छता के समाजशास्त्र में सुलभ का क्या योगदान है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं स्वच्छता के समाजशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरणीय स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक अभाव का आयोजन 28 उनतीस जनवरी 2013 को नई दिल्ली में सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी के सहयोग से सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया गया था यह जो आयोजन था सुलभ के द्वारा इस संगोष्ठी का इसमें विश्व स्तर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कई समाज शास्त्रियों ने अपना भाग लिया उन लोगों ने इस पर गहन चिंतन मनन किया और इस अकादमिक मंथन से जो अमृत निकला वह स्वच्छता का समाज शास्त्र के रूप में निकला और इसीलिए भारत में बिंदेश्वर पाठक स्वच्छता के समाज शास्त्र के अग्रणी माने जाते हैं इनका जो योगदान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बाद से 2013 में जो स्वच्छता के समाज शास्त्र की चर्चा शुरू हुई इसके बाद यह विकास इसका दिनों दिन बढ़ता चला गया हर विश्वविद्यालय में इस पर चर्चा की गई इसकी आज यह स्थिति है कि आज भारत के पच्चीस लगभग विश्वविद्यालय में यह पच्चीस विश्वविद्यालय चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हों या केंद्रीय विश्वविद्यालय हों इन विभिन्न विश्वविद्यालयों में वैकल्पिक या अनिवार्य कोर्स के रूप में स्वच्छता के समाजशास्त्र पर पढ़ाई की जा रही है 2013 में यह जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसके अलावा सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी के सहयोग से स्वच्छता के समाजशास्त्र पर पाठ्यक्रम तैयार करने और स्वच्छता के समाजशास्त्र पर किताब लिखने के लिए 13-14 जून 13 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया अब आप जान सकते हैं कि जब भी हम ऐसी सोच रखें कि यह विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए इसकी शिक्षा सबको मिले तो सबसे पहली आवश्यकता होती है उस पर पाठ्य पुस्तक लिखी जाए उस पर संबंधित उपलब्ध हो ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें हम सब यह देख सकें कि इस पुस्तक के द्वारा इस आलेख के द्वारा इसके द्वारा हम कुछ जानकारी ले सकें इसी के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए यह एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप कई पाठ्य पुस्तक लिखे गए और इसीलिए आज बहुत से कम पचास से ऊपर ज्यादा पुस्तक उपलब्ध हैं स्वच्छता का समाज शास्त्र पर स्वयं बिंदेश्वर पाठक के द्वारा कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं स्वच्छता के समाज शास्त्र के ऊपर इस तरह से यह कार्यशाला काफी सफल माना जाता है इसके बाद 25 सत्ताईस जून 2018 के दौरान एमके भावनगर विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद और सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता का समाज शास्त्र पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई अब आप देख रहे हैं चाहे 2013 का राष्ट्रीय संगोष्ठी हो जो सुलभ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें भी सुलभ और बिंदेश्वर पाठक की अहम भूमिका थी यह जो 2018 में भावनगर में आयोजित हुई थी यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इसमें बिंदेश्वर पाठक और अनिल वघेला का महत्वपूर्ण योगदान पाया गया इसके बाद 27 अक्टूबर 2021 को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के समाजशास्त्र अध्ययन विभाग द्वारा स्वच्छता का समाजशास्त्र विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह झा और बिंदेश्वर पाठक का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके बाद सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा 5-6 मार्च 2022 को स्वच्छता का समाज शास्त्र आत्मनिरीक्षण और सिंहावलोकन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया यह भी बिंदेश्वर पाठक के कुशल नेतृत्व में आयोजित किया गया यह संगोष्ठी सुलभ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्शन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन द्वारा दो से छह अप्रैल 2023 को स्वच्छता का समाज शास्त्र पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था यह बिंदेश्वर पाठक के कुशल नेतृत्व में आयोजित यह संगोष्ठी था जो उनके जीवन का अंतिम राष्ट्रीय संगोष्ठी था जो उनके द्वारा आयोजित की गई थी इस तरह से आप देख रहे हैं कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा या इसके संस्थापक बिंदेश्वर पाठक द्वारा हर क्षेत्र में ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे स्वच्छता के समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार भी हो लोगों में यह भावना आए कि किस तरह से हम स्वच्छता के समाजशास्त्र को या स्वच्छता के संबंध में जानकारी लें इसी क्रम में सौरभ द्वारा स्वच्छता के समाजशास्त्र पर 10 से अधिक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं स्वच्छता का समाजशास्त्र भारत के 25 से अधिक केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों में मुख्य वैकल्पिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है इससे आप जान सकते हैं कि स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस तरह से उन्होंने ऐसा चलाया इस तरह हम यह जान रहे हैं कि स्वच्छता के समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है अगर हम अभी जो आपके साथ चर्चा कर रहे थे चाहे वह सुलभ स्वच्छता आंदोलन हो या स्वच्छता का आंदोलन हो इसके लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के साथ जो मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई थी और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के साथ जो शैक्षणिक बातचीत हुई हमें इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए या स्वच्छता का पाठ्यक्रम जो हम तैयार किए गए उसके लिए या स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित कई अवसरों पर इनके साथ व्यक्तिगत चर्चा भी हुई शैक्षणिक वार्ताएं भी हुई इसके साथ ही हम सुलभ इंटरनेशनल की वेबसाइट के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जहां से हमने इतने महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की है सुलभ स्वच्छता आंदोलन से संबंधित आपको और अगर महत्वपूर्ण जानकारी हो तो उसके लिए हमने संदर्भ सूची तैयार की है जिसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं यह संदर्भ सूची कुछ इस प्रकार है बी के नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन रिचर्ड पायस की पुस्तक है एक्शन सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक रिचर्ड पायस की दूसरी पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशोलॉजी ऑफ सेनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेप्टिवेशन आशीष सक्सेना की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन जी आर पी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाज परिचय एस एस श्रीवास्तव की पुस्तक है सुलभ सेनिटेशन इन इंडिया इशूज चैलेंजेज एंड प्रोस्पेक्ट्स अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाज सास्त्र. सुलभ इंटरनेशनल की वेबसाइट से भी हमने इसमें काफ़ी मदद ली है इस तरह से हमने आज के व्याख्यान में यह देखा इस दसवें व्याख्यान में कि किस तरह से सुलभ स्वच्छता आंदोलन का योगदान रहा है स्वच्छता के समाजशास्त्र में अब इस तरह से हमने अपने दस विभिन्न व्याख्यान में स्वच्छता के समाजशास्त्र की की जो अवधारणा है स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं उसकी हमने चर्चा करने की कोशिश की अब आइए आपके साथ हम जो इन दस व्याख्यान पर विस्तृत चर्चा किए हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो हमने इस व्याख्यान की शुरुआत की थी जिसमें हमने शुरू में स्वच्छता का समाजशास्त्र क्या है इसकी प्रकृति क्या है इसकी अवधारणा क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ और किस तरह से यह स्वच्छता का समाजशास्त्र आपके दैनिक उपयोग में लाभप्रद हो सकता है इस पर हमने चर्चा की इसके बाद स्वच्छता का समाजशास्त्र हमने इस पर भी चर्चा की कि हमारे जो परंपरागत रूप से किए जा रहे व्यवहार हैं सामाजिक मान्यताएं हैं या समाज में जो प्रचलित धारणाएं हैं स्वच्छता से संबंधित उसमें किन किन चीज़ों को आपको करते रहने की जरूरत है आप यह कैसे समझें कि स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित निश्चित रूप से आप चाहे जिस किसी जाति धर्म वर्ग से हों या क्षेत्र से हों आपके यहाँ ऐसी कई प्रचलित धारणाएं होंगी ऐसी कई व्यवस्थाएं होंगी जिससे आपको लाभ मिल सकता है ये परंपरागत रूप से हमारे आपके समाज में व्यवस्था की गई है जिससे समाज भी स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे और उसके साथ ही स्वच्छता का माहौल बना रहे इसीलिए हमारे आपके समाज में मनसा वाचा कर्मना पवित्रता की बात कही गई है हमारे आपके समय में स्वच्छता जो है वह निश्चित रूप से प्राचीन काल से चला आ रहा है इसीलिए हर धर्म में भी किसी न किसी रूप से पवित्रता अपवित्रता या स्वच्छता की बात की गई है इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए इसी तरह जब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं यह हमें यह देखना चाहिए कि कुछ खास जाति है जब हम जाति और स्वच्छता पर चर्चा कर रहे थे हमने उसमें यह देखा कि कुछ खास जाति को स्वच्छता से जोड़ के रखा गया है और हम यह मान कर बैठ गए हैं कि उसी जाति के व्यक्ति को स्वच्छता से संबंधित सारे काम करने चाहिए यहाँ आपको यह समझने की जरूरत है कि जाति में पैदा लेना जो कि एक सहज एक संयोग मात्र है क्योंकि यह तो अर्जित परिस्थिति नहीं है या तो प्रदत्त परिस्थिति है जन्म लेने से पूर्व ही यह निर्धारित हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेगा अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं जाति और स्वच्छता की आपको समझना चाहिए कि हम सबको मिलकर स्वच्छता के बारे में सोचना चाहिए जातिगत विषमताओं से हमें ऊपर उठना चाहिए क्योंकि तभी तो पूरे समाज का विकास होगा और अंततः हमारे राष्ट्र का विकास होगा क्योंकि अगर हम समझ रहे हैं यह पवित्र है या यह छोटा काम है तो हमारे आपके जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति वह काम करेगा ऐसा नहीं होगा कि आपके आसपास का काम किसी और जगह से कोई आके करता है बल्कि वह भी हमारे आपका ही साथी है हमारे आपके साथ ही रहते हैं और अगर आप वह काम नहीं कर सकते हैं तो वह दूसरा कैसे कर सकता है हमें तो यह सिखाया गया है आत्मवत सर्वभूत हमें यह इस धारणा को लेकर आगे चलना चाहिए और हम यह सोचें कि जो काम मैं करना ठीक नहीं मानता हूँ दूसरों से भी वह क्यों अपेक्षा करूँ इसी तरह जैसे अन्य काम आप स्वयं कर लेते हैं इसी तरह हम इस स्वच्छता से संबंधित कार्य को भी किसी जाति विशेष से बांध कर नहीं रखें और हम सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के यह काम करें इसी तरह जब हम लिंग और स्वच्छता या लैंगिक असमानता की जो समस्या है स्वच्छता में उस पर चर्चा पर चर्चा कर रहे थे हमने पाया कि यह सामान्य धारणा है पितृसत्तात्मक सोच के कारण हम यह मान बैठे हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वही वह काम करेगी पुरुष को यह काम नहीं करना चाहिए जैसा कि आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वह पानी का गिलास लेके आपकी बेटी जाती है बेटा नहीं जाता है हम ऐसा संस्कार डालें कि बेटा भी जाए पानी का गिलास लेके उनको सेवा करे इसी तरह साफ सफाई या स्वच्छता का जो माहौल है वह बेटा भी करे इस तरह से इसके बाद हम समाजीकरण के रूप में अगर हम घर में ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें कोई जातिगत भिन्नता नहीं रहेगी लिंगगत भिन्नता नहीं रहेगी तो समाजीकरण के माध्यम से हम दूसरे बच्चों को भी यही सिखाएंगे इसके बाद हमने समाजीकरण की भूमिका की इसी तरह चर्चा की कि इस तरह से आज भी आपका वर्तमान ठीक है और भविष्य आपको अगर ठीक करना है तो समाजीकरण पर भी आपको ध्यान देना चाहिए इसके बाद हमने इस पर भी चर्चा की कि कौन कौन से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं या इसके साथ ही पर्यावरण और स्वच्छता किस तरह से जुड़ा हुआ है पर्यावरण की क्या भूमिका हो सकती है समाज पर्यावरण स्वच्छता संस्कृति किस तरह अंत संबंधित हैं इस पर हमने चर्चा की इसी तरह से हमने इस पर भी चर्चा की कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है स्वच्छता से संबंधित यह भी हमें जान लेने की जरूरत है साथ ही हमने यह भी देखा कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं सरकारी जिस पर हमें जिसका हमें लाभ लेना चाहिए या जो लोग वंचित हैं उनको इसका भी लाभ पहुँच जाना चाहिए इसके बाद अंत में हमने सुलभ स्वच्छता आंदोलन के बारे में भी चर्चा जिससे हमने जाना कि सुलभ का क्या महत्वपूर्ण योगदान है स्वच्छता से आपने स्वच्छता के समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पर जो पूरे व्याख्यान सुनी हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसके लिए आपको मानसिक परिवर्तन की भी जरूरत है आपको व्यवहार में लाने की भी जरूरत है क्योंकि आप समझते हैं कि स्वच्छता की अनिवार्यता क्या है अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे स्वच्छता और स्वस्थ रहना एक दूसरे के पूरक है इसीलिए हमें चाहिए कि हम आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जहां खुद भी हम स्वस्थ रहें और दूसरे को भी हम स्वस्थ रहने का अवसर प्रदान करें हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह जो दस व्याख्यानों वाला ये स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा होगा और इसी अपेक्षा के साथ आज का जो यह व्याख्यान है और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वह समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि आप इसका लाभ जरूर लेंगे अपने जीवन में और समाज को सुधारने में आपने पूरी पाठ्यक्रम को बहुत गंभीरता से लिया और इसको धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए आपका धन्यवाद